हरिओम, मेरा नाम मीनलवीरा चित्रे है। मैं अहमदाबाद गुजरात की रहवासी हूँ और सैटेलाइट प्रायोगिक सेंटर से हूँ। फेब्रुअरी 2007 ये तब से मैं बापू के यहाँ हूँ और अहमदाबाद में मणिनगर सेंटर का जो वर्धापन दिन हुआ उसी दिन मणिनगर सेंटर को बापू की पादुका मिली और वही मेरा पहला दिन था। मेरे मिस्टर श्री आशुतोष सिंह चित्रे पहले से ही बापू के यहाँ उपासना के लिए आते थे, पर मेरी मन की खिड़की शायद खुली नहीं थी और वर्धापन दिन से ही मैं बापू के यहाँ आना चालू हुआ मेरा। और उसके बाद बापू की कृपा सिंधु प्रत्यक्ष से मुझको जानकारी मिल गई और उसके बाद श्री रमाकांत सिंह कौठेकर उन्होंने हमारे यहाँ आके गुण संकीर्तन किया। गुण संकीर्तन के माध्यम से मुझको बापू की अधिक माहिती मिल गई, बापू के कार्य की जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद मैं बापू के यहाँ उपासना में आना चालू मैंने उपासना में आना चालू कर दिया। और मैं जब से बापू के यहाँ आना चालू हुई तब से जीवन में एक अच्छा बदलाव महसूस किया। अभी मैं आपको जो मेरा अनुभव बताने जा रही हूँ वो 16 मार्च 2014 का यानी होली के दिन का ये अनुभव है। संकट हर एक को आते हैं, पर यह संकट की तीव्रता कम करना ये जो सद्गुरु ने मैंने अनुभव महसूस किया ये अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि सुबह में होली के दिन मैं सुबह उठी और चाय बनाई। पहली चाय मैंने बापू को अर्पण की और उसके बाद मैंने मेरी चाय डाइनिंग टेबल पर बैठ के पी ली। उसके बाद घर के सब काम ख़त्म करके मैंने मेरा ध्यान बापू की जो चाय मैंने अर्पण की थी उस पर गई और वो चाय लेके मैंने गरम की और वापस मैं डाइनिंग टेबल पे आके बैठी। पहली चाय मैंने जो पी थी वो चाय मैंने डाइनिंग टेबल पर ही पी थी, पर उस टाइम पे मैं हमारा ऐसा डाइनिंग टेबल है और डाइनिंग टेबल के ऊपर दीवार पर फिक्स शोकेस है, तो शोकेस के नीचे मैंने मेरी पहली चाय पी थी और उसके बाद वाली जो बापू को अर्पण की वाली जो चाय थी वो चाय मैंने उसके अपोजिट साइड यानी शोकेस के अपोजिट साइड मैं बैठी थी। और चाय पीते समय एक सीप मैंने पिया होगा और अचानक से जो ऊपर दीवार को जो फिक्स किया हुआ जो शोकेस था वो एकदम से धड़कन नीचे गिरा तो इतना भयंकर आवाज़ आया मानो बॉम्ब स्फोट हुआ हो। और वो आवाज़ से मैं ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाने के बाद वो आवाज़ और ऊपर से मेरे चिल्लाने का आवाज़ ये सुनकर मेरे मिस्टर और मेरे दो बच्चे उठकर बाहर आए। उन्होंने देखा तो पूरे घर में कांच सब बिखरी हुई थी, डाइनिंग टेबल की कांच, शोकेस की कांच और उस शोकेस के अंदर रखी हुई क्रॉकरी, सब कांच का सामान, पूरा घर कांच से भरा हुआ था, सब जगह पे कांच थी। और मैं इतनी घबरा गई थी और मेरे आवाज़ से और वो जो धमाका हुआ वो धमाके से सोसाइटी के लोग भी आके जमा हो गए थे। उनको मुझको बोलना पड़ा कि आप बाहर ही रुको क्योंकि आपके पैर में कांच जाएगी। और उसके बाद पर यही सद्गुरु की कृपा थी, शायद उन्होंने ही मुझको ये बुद्धि दी कि तू ये चाय ये चेयर पे आके बैठ और यहाँ पे आके तू चाय पी। और अगर मैं वही चाय अगर वहाँ पे बैठती थी शोकेस के नीचे वाले चेयर पे अगर बैठ के पी लेती तो आज शायद मैं आपके सामने नहीं होती। मैं पर सद्गुरु की कृपा देखो, मैं अपोजिट साइड पे बैठी थी, सब जगह पे कांच चकनाचूर, सब कांच के छोटे टुकड़े थे, पर सद्गुरु की कृपा देखो मैं जहाँ पे बैठी थी और चिल्ला के मैं खड़ी हो गई वो जगह पे कहीं पे भी
कांच के छोटे छोटे टुकड़े या बारीक कण कहीं पे भी नहीं थे, मेरे हाथ पे नहीं, मेरे पैरों पे नहीं, नहीं मेरे सर पे, बालों पर कहीं पे भी कांच के टुकड़े नहीं थे। और दूसरी बात ये कि ये मेरे मिस्टर आके कैसे वैसे पास मेरे आए, मेरा लड़का मेरे पास आया, मैं इतनी थर थर काँप रही थी कि मेरे लड़के ने आके मुझको पानी दिया और घबरा कर डर के मारे मैं उसके साथ मैं उसको बोल रही थी कि मेरे भाई के नाम से को से उसको आवाज़ दे रही थी और इतनी घबरा गई थी, पूरा शरीर मेरा थर थर काँप रहा था। उसने हाथ में मैं प्रॉपर ग्लास भी पकड़ नहीं पा रही थी और मैं वो ग्लास आखिर में उसने पकड़ा और पानी मुझको पिलाया। और हम लोग ये सब देख के इतने सुन्न हो गए थे। मेरे मिस्टर ने बापू के सामने देखा और वो बोले कि बापू, जो भी नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो हो सकती है, पर आपने मीनल को बचाया, यही मेरे लिए बहुत है। और हम चारों आपके आपवंत्य हैं। और ये और एक महत्व की बात ये है कि सुबह रोज़ बच्चे चाय पीने के लिए मेरे साथ होते हैं, पर उस दिन छुट्टी थी तो बच्चे सोए थे, ये भी बापू ने ही उनको बुद्धि दी। और उस दिन अगर साथ में बच्चे होते तो शायद बच्चे इंजर्ड होते या मैं इंजर्ड होती, पर उस दिन बापू ने ये बुद्धि दी कि बच्चे सो गए थे और मैं वहाँ पे वो भी अपोजिट साइड बैठ के मैंने वो चाय पी ली और मुझे कुछ भी हुआ नहीं, मुझको एक खरोच भी नहीं आई। और चाय जो गर्म थी वो चाय भी मेरे ऊपर गिरी नहीं, वो चाय उछल कर सामने गिरी पर वो मेरे शरीर पे कहीं पे भी गिरी नहीं, ये सबसे बड़ी बात थी। और ये बापू की कृपा ही है कि मैं बच गई, कहीं पे भी मुझको कहीं पे भी जख्म नहीं हुई या मैं कहीं पे भी इंजर्ड नहीं हुई। हरिओम, मैं अंबदन्य हूँ।